दोस्तों आज मैं एक 55 वर्षीय रोगिणी के बारे में बताऊंगा जो कि उसको सूरज की रोशनी और लाइट थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता और सूरज की रोशनी और लाइट से उनकी जो समस्या है बढ़ जाता था। तो दोस्तों आप हमारी चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों एक 55 वर्षीय रोगिणी मेरे पास आती है और आती है तो ऐसे करके आती है ऐसे, जबकि अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है तो बाहर में तो धूप खिला हुआ था इसलिए वह ऐसे करके आ रही थी और जब मेरे पास आई तो भी ऐसे करके आई। जब अंदर में आई तो हाथ हटा करके बोली कि डॉक्टर साहब मैं बहुत दिनों से बहुत ही तबाही में हूं और मेरा तबाही यह है कि जब भी गर्मी का मौसम आता है मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने सर को ठंडे पानी से 3 से 4 बार धोती हूं तब जाकर के मुझे राहत मिलता है। मैंने पूछा कि अगर नहीं धोएंगी तो क्या होगा, आखिर क्यों धोती है? तो वह बता रही थी कि ऐसा लगता है कि मेरे सर और चेहरा से बिल्कुल ही आग निकल रहा है। ऐसा लगता है कि इतना जो अंग है गर्दन से ऊपर बिल्कुल जल रहा है और जब मैं ठंडे पानी से धोती हूं तो कुछ समय के लिए मुझे राहत मिल जाता है। और ऐसा आज से नहीं 3-4 साल से है और जलता भी है और साथ में दर्द भी हो जाता है। तो मैंने पूछा कि दवा ववा तो चला होगा? तो हाँ, दवा तो मैं बहुत पहले से खा रही हूं और दर्द का दवा कभी कभार लेती हूं तो जलन भी ठीक रहता है और दर्द भी ठीक रहता है, लेकिन कब तक? जब तक उसका असर रहता है तभी तक ठीक रहता है, फिर जैस का तस होता हो जाता है। तो मैं आपके पास किसी के कहने पर आई हूं और वो बोले हैं कि आप बहुत सस्ते में और कम पैसे में इस रोग को ठीक कर देंगे। तो मैं बहुत ही उम्मीद के साथ आपके पास आई हूं, यदि आपके पास कोई ट्रीटमेंट है तो मुझे दीजिए। तो मैंने बहुत ही विश्लेषण किया और उसको एंटी क्रूड होम्योपैथिक मेडिसिन का एक डोज दिया और 2 दिन के बाद मैं पुनः उनको मिलने के लिए बोला। वह 2 दिन के बाद पुनः आई और बोली कि कुछ कम है, मतलब कि जितना पहले था उतना अब नहीं है, अब कुछ कम है। तो मैंने पूछा कि क्या अब वही आप 4 से 5 बार अपने सर को धो रही है? तो बोली कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं 2 बार धो ले रही हूं। मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि अब मुझे कौन सा दवा देना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि 4 से 2 बार पर आ गई है तो चलो फिर 1 सप्ताह पर बुलाओ इसको। मैंने कुछ झूठी गोलियां उनको देकर के भेज दिया और 1 सप्ताह के बाद पुनः आने के लिए बोला। जब वह दोबारा 1 सप्ताह के बाद आई तो बड़ी खुश होकर के आई और जब आई तो पहली बार जो ऐसे करके आ रही थी वह सीधा ऐसे करके आई, अब वह
घूंघट वाली और हाथ आंखों के ऊपर लीलार के ऊपर रख करके नहीं आई और बोली कि डॉक्टर साहब इस बार वाला जो दवा दिए हैं बहुत ही परफेक्ट दिए हैं, मैं बिल्कुल अभी ठीक हूं, एक बार भी अब सर मुझे धोना नहीं पड़ता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि सर और चेहरे से आग निकल रहा है और मुझे नींद भी बहुत काफी आ रहा है, मैं खूब नींद ले रही हूं, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं, हो सके तो दवा और दे दीजिए, मैं दवा और खाऊंगी, जितना दिन बोलिएगा खाऊंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल ठीक कर दीजिए। तो मैंने उसको दोबारा फिर कुछ झूठी गोलियां 15 रोज के लिए दे दिए और बोले कि ठीक है, 15 रोज के बाद दोबारा पुनः आप मिलिए। वह दवा लेकर के चली गई, 15 रोज के बाद नहीं, वह 10 रोज के बाद ही मिल गई और जब आई तो बोली कि डॉक्टर साहब फिर कुछ कुछ वैसा लग रहा है कि जो जलन वाला हाल था और जो सर मेरा बिल्कुल भारी भारी रहता था, कुछ अब वैसा हो रहा है, जो पहली बार वाला दूसरी बार वाला दवा दिए थे बहुत अच्छा दिए थे, लेकिन अगली बार जो दवा दिए हैं उतना अच्छा नहीं दिए हैं, थोड़ा फिर अच्छा सा दवा दीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं, जितना कहिएगा उतना मैं दवा चलाने के लिए तैयार। तो मैंने उसी दवा का 1 एम्पावर में 1 डोज पुनः दे दिया और फिर बोले कि फिर आप 15 रोज के बाद पुनः हमसे मिलिएगा। वह दवा लेकर चली भी गई और 15 का 20 रोज के बाद वह पुनः आई, लेकिन बिल्कुल ठीक थी और अब तक जब आ रही है तो बिल्कुल ही ठीक ठाक आ रही है। तो दोस्तों, यदि होम्योपैथ दवा सिम्टम के अनुसार, रोगी के अनुसार सही दवा मिल जाता है तो एलोपैथ से भी तगड़ा होता है और बहुत जल्दी में ही काम कर जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कहीं भी यदि होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएं, यदि आप कभी भी जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए तो थोड़ा उनको समय दीजिए और उनके अनुसार दवा सिलेक्शन करने का उन्हें मौका दे दिए और जो वह दवा सिलेक्शन करके देंगे वह जरूर ही आपको परफेक्ट काम करेगा। तो दोस्तों, यह स्वास्थ्य भरी वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों चल करके सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी टच कर देना ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।